नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन हेतु सोइल मैनेजमेंट मृदा प्रबंधन के बारे में जाना था और आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन के लिए बीज के बारे में, बीज को किस तरह और किससे उपचारित करके बोना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि जैविक कारक जैसे कि खरपतवार, कीट व्याधि या अन्य इंसेक्ट पेस्ट, और अजैविक कारक जैसे सूखा या उच्च तापमान हीट, इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। दूसरा पॉइंट ये है, किसानों को हमेशा दो से अधिक किस्मों का चयन करके उनको उगाना चाहिए। कभी भी एक सिंगल किस्म नहीं उगानी चाहिए, जिससे जोखिम से बचने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जोखिम कम रहेगा। वर्षा का समय शुरू होने से पहले जो बीज अपने पास उपलब्ध है उसका जर्मिनेशन टेस्ट, मतलब अंकुरण प्रतिशत वाला टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि समय रहते अपन ये जान सके कि अपना बीज उगाने लायक है या नहीं, और नहीं है तो अपन अन्य अच्छे बीज का इंतजाम समय रहते कर सके। डू नॉट रिसाइकल सीड्स मोर देन 3 सीजन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बीज अपन उगाते हैं उससे प्राप्त बीज को लगातार 3 सीजन से ज़्यादा तक नहीं उगाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार उसी एक ही प्रकार के बीज को उगाने से, एक ही प्रकार के किस्म को बीज को उगाने से कीट व्याधि की संभावनाएं बढ़ जाती है, साथ ही उस बीज का उत्पादन की क्षमता भी घट जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो है, उगाने से पूर्व बीजों को, बुआई से पूर्व बीजों को जैविक कल्चर जो कि मृदा जनित रोगों से बचाते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडे 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने वाले कल्चर जैसे कि ब्रेडी राइजोबियम जापोनिकम, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या अन्य फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे भी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बीज को बोना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।